विगत वर्ष की भांति एक बड़ा सुंदर अनुभव हुआ था मुझे, आप लोग अपने हो इसलिए बांट रहा हूं। पिछले वर्ष जब श्री डोंगरे बापा के जन्मोत्सव के समय श्री गोविंद देव जी के चरणों में बैठकर भगवत कथा कहने का अवसर मिला था और वहां मुझे विलक्षण अनुभूति रही। इस प्रकार वस्तुतः ठाकुर जी ने बैठकर कथा श्रवण किया तो कुछ ऐसी अनुभूति आखिरी दिन हुई, कुछ ऐसा संकेत प्राप्त हुआ कि अगली बार श्री ठाकुर जी की मीरा जी का चरित्र सुनने की इच्छा है। मैं मंदिर में बैठे बैठे और जहां मैं रुका था, मेरा प्रवास था, अगले दिन सुबह हमें आना था, रात्रि को वह व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज अब की बार श्री गोविंद देव जी को मीरा चरित्र सुना दीजिए। तो मुझे दोनों संकेत एक साथ प्राप्त हुए। आने से पहले ही तिथि नियत हो गई थी, 5 जनवरी से 9 जनवरी फिर पुनः वही श्री गोविंद देव जी के चरणों में जयपुर में इस बार मीरा चरित्र का आयोजन हुआ है। आप सबको मेरी ओर से भी और गोविंद देव जी की ओर से भी सादर ये निमंत्रण भी है, सूचना भी है कि जितना भी आपको अनुकूल हो सके, वहां का दिव्य वातावरण है और वस्तुतः संत लोग कहते हैं कि गोविंद देव जी कथा के बड़े बड़े रसिया है, कथा सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय है और फिर कथा में भी श्री मीरा जी जैसे किसी भक्त की कथा हो तो फिर कहना क्या। तो मेरी ओर से आप सबको ये सस्नेह सादर निमंत्रण है, 5 जनवरी से 9 जनवरी का ये कार्यक्रम रहेगा जयपुर श्री गोविंद देव जी का मंदिर। और ये तो बड़ी दूर की बात है, पर चलो अभी बता दो, होली उत्सव वृंदावन में 21 फरवरी से 25 फरवरी, इस बार गोविंद की गली पुष्पांजलि वैकुंठ वृंदावन में ये 5 दिन का उत्सव रहेगा, 21 फरवरी से 25 फरवरी राधा कृपा कटाक्ष पर चर्चा होती है। वहाँ पिछले वर्ष पहले श्लोक की चर्चा हुई थी, इस बार अगले श्लोक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। होली उत्सव इस बार वृंदावन में 21 फरवरी से 25 फरवरी 3 से 6 बजे तक ये कथा का समय रहेगा। और आपके आसपास की सूचना ये है 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। अच्छा, नया साल इस बार फिर आपके साथ में मनाने को मिलेगा। 3 से 6 बजे स्थान है ST सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़गांव।
के लिए ताली बजा दीजिए। ये एक दो बातें मेरे पास और आई थी, एक तो नाम जप का जो यंत्र बना है उससे वातावरण में प्रभाव देखा गया है, घर में बहुत सकारात्मकता रहती है, कि यह तो हर स्थान पर होना चाहिए। पर यह यंत्र मैंने इसलिए बनाया है कि इस यंत्र की देखा देखी आपका मन भी ऐसा ही यंत्र हो जाए, और आज यंत्र के आश्रय से भले, लेकिन फिर एक समय बिना इस यंत्र के आपके भीतर ऐसे नाम चलता रहे। आपने इस भाव का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात ही आज किसी ने मुझसे पूछी कि आपने बताया है कि ठाकुर जी जिसका चयन करते हैं वही उनकी कृपा प्राप्त करता है, और दूसरा आपने ही कहा कि श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आइए, दोनों बातों में कुछ विरोधाभास है? कुछ भी विरोधाभास नहीं है, जिस पर कृपा करते हैं वही उन्हें प्राप्त करता है, जिस पर कृपा करते हैं वही उनके निकट जाने का प्रयास करता है, जिस पर कृपा करते हैं उसी के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं और वो पूछकर समाधान प्राप्त करते हैं। विरोधाभास कहीं नहीं है बाप, जिस पर कृपा करते हैं, मैंने अभी आपसे कहा ना, उसी के मन में स्वयं के परिष्कार का संकल्प जगेगा, उसी के मन में आत्मशुद्धि का संकल्प जगेगा, उसी के जीवन में आत्म कल्याण का प्रयास देखा जाएगा। तो विराम के इन क्षणों में श्री बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे, एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दीजिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुमार तो चाहिए। और मुझे लगता है आपका और मेरा भी कोई ऐसा भाव संबंध स्थापित हो जाए कि मेरे बिना आपको कुछ अधूरा लगे, आपके बिना मुझे कुछ अधूरा।